Students, today we are discussing a new topic of plant adaptation. This is xerophytes. In this chapter we will discuss about xerophytic plants and adaptations of this type of plants. आज हम यहाँ पर xerophyte का अध्ययन करेंगे. xerophyte के अंतर्गत कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे. यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो वे पादप जो अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं, यानी ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, इन परिस्थितियों के कारण इन पादपों को जल अपर्याप्त मात्रा में अवशोषित होता है, एवं साथ ही साथ इन पादपों में तीव्र वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है. ऐसे आवास स्थानों पर पाए जाने वाले पादपों को शुष्क पादप एवं ऐसे स्थानों को शुष्क आवास, ड्राई हैबिटेट या जेरिज्म कहा जाता है. इन शुष्क आवासों पर पाए जाने वाले पादपों को दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, जिन्हें मोस्टली फिजिकल जेरिज्म एवं फिजियोलॉजिकल जेरिज्म कहा जाता है. यानी हम यहाँ पर कहें शुष्कता दो प्रकार की होती है, फिजिकल जेरिज्म और फिजियोलॉजिकल जेरिज्म. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल जेरिज्म एंड फिजियोलॉजिकल जेरिज्म? एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फिजिकल जेरिज्म. इन दिस जब जलीय पादपों हेतु जल वास्तविक रूप से अनुपस्थित हो तो इस अवस्था को फिजिकल जेरिज्म कहा जाता है. अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेगिस्तान जो है वो इस कैटेगरी में आता है, जहाँ पर वास्तविक रूप से जल अनुपस्थित होता है, पादपों हेतु अनुपस्थित होता है. दूसरी ओर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल जेरिज्म. स्पेलिंग थोड़ी गलत है बेटा. तो फिजियोलॉजिकल जेरिज्म यानी कि कार्य की शुष्कता. तो जब जल भौतिक रूप से तो उपस्थित होता है किंतु पादप उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो इस तरह की अवस्था को फिजियोलॉजिकल जेरिज्म या कार्य की शुष्कता कहा जाता है. इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे लवणीय जल, ध्रुवीय प्रदेशों में स्थित बर्फ एवं जल आक्रांत अवस्था. अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि लवणीय जल समुद्रों के आसपास जो हैं पादप स्थित होते हैं, किंतु वे पादप जो हैं उस जल का अवशोषण नहीं कर पाते, क्योंकि वो किस प्रकार का होता है, लवणीय जल. तो जल उपलब्ध है किंतु पादप फिर भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थिति को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल जेरिज्म यानी कार्य की शुष्कता. इसी प्रकार यदि हम देखें ध्रुवीय प्रदेशों में जल बर्फ के रूप में होता है किंतु पादप उस बर्फ का जल के रूप में अवशोषण नहीं कर पाते. इसी प्रकार की कंडीशन जलाक्रांत अवस्था में होती है. जलाक्रांत अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर जल उपस्थित होता है किंतु पादप जो हैं उसका अवशोषण नहीं कर पाते. बाढ़ आने के पश्चात जो कई खेत एवं पादप जल में डूब जाते हैं तो इस तरह की अवस्था उत्पन्न होती है. इसे हम जलाक्रांत अवस्था कहते हैं. मरुस्थलीय आवासों में निम्न प्रकार की परिस्थितियां मुख्यतः पाई जाती हैं. यदि हम इन परिस्थितियों के बारे में देखें तो हम सब इन परिस्थितियों से वेल नोन हैं. इनमें मुख्यतः है सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, मरुद्भिद आवासों में तापमान की उच्चता यानी 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ पहुँच जाता है, तेज वायु प्रवाह, रेगिस्तानी प्रदेशों में मरुद्भिद क्षेत्रों में वायु का प्रवाह बहुत तीव्र होता है. इसके अलावा वहाँ पर बालू व चट्टानों की उपस्थिति बहुत अधिक होती है. नेक्स्ट यदि हम देखें तो मरुस्थलीय आवासों पर जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है. तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं जिनका सामना मरुस्थलीय पादपों को करना होता है. नेक्स्ट
अगर हम यहाँ पर मरुद्भिद परिस्थितियों के अनुसार पादपों को डिफाइन करें तो ये इसके निम्न भाग होंगे। इनमें पहला देखिएगा आप, ये है ऑक्जेलोफाइट यानी अम्लोद्भिद, लिथोफाइट यानी शैलोद्भिद यानी चट्टानों पर पाए जाने वाले पादप, हेलोफाइट यानी लवणोद्भिद, चेफोफाइट यानी दरारोद्भिद, जो चट्टानें होती हैं उनकी दरारों में पाए जाने वाले पादप, और फेमोफाइट्स यानी बालू में पाए जाने वाले पादप। तो इस प्रकार से ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्जेलोफाइट्स, व्हाट इज लिथोफाइट, व्हाट इज हेलोफाइट्स, व्हाट इज चेफोफाइट, व्हाट इज फेमोफाइट्स। तो ऑक्जेलो यानी अम्लीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप, ये मरुस्थलीय मरुद्भिद पादपों की कैटेगरी में ही आते हैं। लिथोफाइट यानी चट्टानों पर पाए जाने वाले पादप, हेलोफाइट यानी लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पादप, चेफोफाइट यानी दरारों पर में पाए जाने वाले पादप, एवं लास्ट फेमोफाइट्स जो कि बालू में पाए जाते हैं। अगर हम शुष्क आवास अवस्थाओं को सहन करने के अनुसार जीरोफाइट या मरुद्भिद पादपों को बांटें तो वह निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है ड्राउट एस्केपिंग प्लांट। बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जीरोफाइट्स को इन कैटेगरी में भी डिफाइन किया जाता है, ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स यानी शुष्क पलायनी, ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट यानी शुष्क सहिष्णु, ड्राउट रजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी पादप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट, तो वो है आपका ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स। तो ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स को यदि हम यहाँ पर देखें तो ये किन कैटेगरी में पाए जाते हैं, देखिएगा। ड्राउट एस्केपिंग यानी हम यहाँ पर कहें ये हैं सूखा पलायनी। सीधा सा अर्थ देखिएगा, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है सूखा पलायनी, यानी वे पादप जो सूखे की परिस्थिति आने पर पलायन कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या अपनी लाइफ साइकिल को समाप्त कर लेते हैं, वे पादप कहलाते हैं सूखा पलायनी। इस तरह के आपने कई पादप देखे होंगे और आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, उनके उदाहरण ही मैं पहले आपको बता देना चाहूँगा। यदि आपको मालूम हो कि सूखा पलायनी यानी सूखे की अवस्था आने से पहले ही पलायन कर जाएं, तो कुछ परिस्थितियां हमें इन पादपों में उपस्थित होंगी, वो कौन कौन सी हैं, अर्थात आप समझ सकते हैं ये पादप एक वर्षीय होंगे और सूखे की अवस्था आने से पूर्व ही अपने बीजों का निर्माण करिए नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अधिकांश जो पादप होते हैं रेगिस्तानी परिस्थितियों में वो किस प्रकार के होंगे, सूखा पलायनी प्रकार के। ये अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियों में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक वर्षीय पादप होते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर ये बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हम कह सकते हैं कि जब ये पलायन कर जाते हैं तो ये ट्रू जीरोफाइट्स या सत्य मरुद्भिद या वास्तविक मरुद्भिद नहीं हो सकते हैं, अर्थात इन्हें वास्तविक मरुद्भिद नहीं कहा जाता। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखते हैं, तो फूका पलायनी पादपों के शरीर पर क्रमशः कांटे पाए जाते हैं। यदि आप इन पादपों को देखें, फूका पलायनी पादप कौन से होते हैं, तो आप इस रेनी फ्यूजन में आप इन पादपों को आसानी से देख पाएंगे। आप देखिए और पहचानिए केशिया टोरा, जिसे आप साधारण भाषा में पुआड़ या कुआड़िया कहते हैं, तो वो आपको इस रेनी फ्यूजन में मिलेगा। पार्थिनियम आपको इस रेनी फ्यूजन में मिलेगा। इसके अलावा आर्जिमोन आपको यहाँ पर इस फ्यूजन में मिलेगा, जिसे आप पीली कटेली और नीली कटेली के रूप में जानते हो। नेफ टेफ्रोफिया परपूरिया यहाँ पर आपको मिलेगा।
इसके अलावा जैंथियम, जिसे आप गोखरू के रूप में भी जानते हो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप मोटा मोटा याद रखिए, पार्थीनियम, केशिया टोरा, आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी पीली कटेली, फोलेनम जेंथोकार्पम यानी नीली कटेली, केशिया टोरा भी मैंने बोला, जैंथियम या जिसे हम गोखरू के रूप में जानते हैं, वो ये सारी स्पीसीज जो हैं आपको देखने को मिलेगी, ट्राइबुलस वगैरह। तो यहाँ पर आप ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इन डायग्राम्स को देखिए, ट्राइबुलस टेरिफ टेरिफ, ये देखिए ये ट्राइबुलस जो हैं ये भी फूके की परिस्थिति आने से पहले ही ये नष्ट हो जाते हैं। ट्राइएंथियम स्पीसीज, कैरेथमस स्पीसीज, ये जो पादप हैं ये एफिमरल होते हैं यानी शॉर्ट लिविंग प्लांट होते हैं, एक वर्षीय पादप जो फूके की परिस्थिति आने के पूर्व ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो फो हम इन्हें क्या कहते हैं, इस तरह के पादपों को, फूखा पलायनी पादप। ओके नेक्स्ट, ये जो पादप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पादप हैं, दीज आर आल्फो नोन एज ट्रू जीरोफाइट सत्य मरुद्भिद या फूखा सहिष्णु, शुष्क सहिष्णु या ड्राउट एंड्योरिंग जीरोफाइट्स। ओके ये यहाँ पर कहलाते हैं। इन पादपों की विशेषता, सहिष्णु का अर्थ है सहन करना, यानी ये पादप वास्तविक रूप से सूखे की परिस्थिति को या शुष्क परिस्थितियों को सहन करते हैं, अतः इन्हें सूखा सहिष्णु पादप कहा जाता है। यदि हम देखें यहाँ पर तो दीजा ये सबसे रोचक मरुद्भिद पादप हैं, ये सबसे रोचक मरुद्भिद पादप हैं। ओके नेक्स्ट, ये पादप जल का अवशोषण कर पादप अंगों को पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। अभी इनकी बहुत विशिष्ट परिस्थितियां मैं आपको बताऊंगा, एक बार इन्हें रीड कर लेते हैं। यह मुख्यतः बहुवर्षीय होते हैं, ये विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिसके लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये विभिन्न प्रतिकूलित परिस्थितियों का सामना करते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, सत्य मरुद्भिद पादप, यानी सूखा सहिष्णु, सूखे को सहन करने वाले पादप। इनका जड़ तंत्र अति विकसित प्रकार का होता है एवं पत्तियां मोटी व क्यूटिकल युक्त होती हैं, साथ ही पत्तियों पर मोम सदृश पदार्थ पाया जाता है, रंध्र मुख्यतः निचली सतह पर उपस्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का को कम कर सकें। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वे पादप हैं बेटा, आपने देखा होगा, कभी ध्यान दीजिएगा, जो आंकड़ा है और कैपेरिस, इन दोनों का डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है, ये आंकड़ा और कैपेरिस ये ट्रू जीरोफाइट्स कहलाते हैं, ड्राउट एंड्योरिंग जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ये पादप गर्मियों के मौसम में बिल्कुल फूक जाते हैं, टहनियों के रूप में, फूकी हुई टहनियों के रूप में रह जाते हैं, पत्तियाँ जड़ जाती हैं पूरी, जबकि जैसे ही रेनी सीजन आता है तो ये फूकी हुई झाड़ियाँ, ये फूकी हुई टहनियाँ वापस जीवंत हो उठती हैं, यानी हरी भरी हो जाती हैं। तो अर्थात जिसे हमने कहा पुनर्जीवित, ये पादप जल अवशोषण कर पुनर्जीवित, अपने स्वयं को पुनर्जीवित कर लेते हैं, तो इनमें ये क्षमता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कैपेरिस और केलोट्रोपिस प्रोफेरा यानी आंकड़ा, ये पादप जो हैं गर्मी के समय में बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में, फूकी अवस्था में हो जाते हैं, जबकि रेनी सीजन में ये वापस हरे भरे हो जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ड्राउट एंड्योरिंग। इसमें मुख्यतः जो उदाहरण है वो आप देखिएगा, इसके उदाहरण केलोट्रोपिस प्रोफेरा यानी आंकड़ा, कैपेरिस डेसिडियोफा यानी आपकी केटी जिसे कहते हो, केटी का अचार, डगलिया जिसे कहते हो आप, केर। ओके नेक्स्ट, नीरियम इंडिकम और अकेशिया नाइलोटिका यानी देसी बम्बूल। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो हैं आपके ड्राउट एंड्योरिंग या जिसे हम कहते हैं ट्रू जीरोफाइट्स के। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है ड्राउट रेजिस्टेंट, यानी वे पादप जो सूखे की परिस्थितियों को सहन करने के लिए स्वयं में प्रतिरोधक क्षमताओं को उत्पन्न कर लेते हैं। ओके यानी ये सूखे की परिस्थितियों का सामना नहीं करते। तो ये जो हैं किस प्रकार के होते हैं देखिएगा,
इनमें जल संग्रहण की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। साथ ही जल संग्रहण कर ये अपने तने या पत्तियों को माफल बना लेते हैं, इसी वजह से इन्हें फैक्यूलेंट प्लांट्स या हम कहें फरस पादप भी कहते हैं। तने या पत्तियों को माफल बना लेते हैं एवं इस जल का विभिन्न उपापचय क्रियाओं में उपयोग करते हैं। इन पादपों पर मोटी क्यूटिकल व मोम सदृश्य पदार्थ पाए जाते हैं। नेफ्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, देखिएगा इन पादपों में पेंटोसेंस सेल्स पाई जाती हैं। ये पेंटोसेंस जो हैं वो कोलाइडल नेचर के होते हैं, जो कि जल को तीव्रता से अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि फरस पादप एगेव एलोवेरा वगैरह की जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों में पल्प में जो है काफ़ी जल स्थित होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? पेंटोसेंस सेल्स की वजह से। ओके, क्योंकि ये म्यूसिलेज, पेंटोसेंस और म्यूसिलेज होता है इनमें, जो जल संग्रहण को बढ़ाता है। नेफ्ट आता है, इन पादपों को फरस पादप भी कहा जाता है। दीज आर डिफाइन इन टू टाइप। फर्स्ट वन इज फैक्यूलेंट टाइप स्टेम प्लांट एंड सेकेंड वन इज फैक्यूलेंट लीफ प्लांट। फैक्यूलेंट मीन फरस, सरफ का मतलब जिनमें रस हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरोफाइट्स में कौन कौन से फैक्यूलेंट प्लांट्स हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हैं फैक्यूलेंट स्टेम प्लांट, वे पादप जो जल का संग्रहण कर अपने तने में उसे स्टोर करते हैं, वे कहलाते हैं आपके फैक्यूलेंट स्टेम प्लांट। इसके रूप में अगर आप देखो किन किन पौधों की पत्तियाँ कटीली होती हैं, तना हरा होता है अर्थात संपूर्ण तरह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, तने पर वही मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, जल अवशोषण तीव्र गति से करते हैं और इनकी वृद्धि दर काफ़ी कम होती है, यानी बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं ये। इसके उदाहरण यदि आप देखो तो यहाँ पर ओपुंसिया आपको देखने को मिल रहा है, ओपुंसिया, नागफनी और इकाइनो कैक्टस। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये क्या हैं? फैक्यूलेंट जीरोफाइट विथ फ्लेफी स्टेम, यानी माफल तने वाले पादप। कौन से पादप? मरुद्भिद पादप। इसी प्रकार से कुछ पादप हैं जिनकी पत्तियां जो हैं फेल अप हो जाती हैं, यानी रसीली हो जाती हैं, फरफ हो जाती हैं। तो फैक्यूलेंट लीफ वाले यदि इन पादपों का अगर हम अध्ययन करें तो आप देखिएगा इन पादपों की पत्तियां माफल व लंबी होती हैं, जबकि तना बहुत छोटा होता है। अगर आपने देखा हो एगेव एलोवेरा वगैरह का, तो इनकी पत्तियां तो लंबी होती हैं जबकि तना जो है अल्प विकसित प्रकार का होता है, और सारा जल संग्रहण जो है पत्तियों में पाया जाता है, इसी वजह से इनकी पत्तियां जो हैं बहुत अधिक माफल होती है। इसके उदाहरण है ब्रायोफिलम, एलोवेरा और एगेव। आप इस डायग्राम में देख सक रहे हैं कि एलोवेरा एगेव, हेवर्थिया, ब्रायोफिलम, ये देखा होगा आपने, पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, पेप्रोमिया, इनकी भी पत्तियां माफल हो जाती हैं, और कैलेंजिया। ये पादप जो हैं हम घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में जनरली लगाते हैं इन्हें। तो ये हैं फैक्यूलेंट लीफ। इसके अतिरिक्त कुछ वे पादप होते हैं जो नॉन फैक्यूलेंट होते हैं। यदि हम इन्हें देखें तो इस रूप में हमारे सामने आते हैं ये पादप, नॉन फैक्यूलेंट पादप, सॉरी। तो नॉन फैक्यूलेंट प्लांट्स में जो हैं आपके इस तरह के प्लांट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो नॉन फैक्यूलेंट प्लांट्स यदि आप देखें तो वो काफ़ी सारे हैं, बट आप मोटे मोटे रूप से ही हम यहाँ पर कुछ का अध्ययन करेंगे जिन्हें आप देखिएगा बेटा, ये हैं आपके नॉन फैक्यूलेंट्स जीरोफाइट, जिनमें मुख्यतः आप देखते हो
नीरियम, पाइनफ, कैजुराइना, इक्विफिटम, कैलोट्रोपिफ और इफिड्रा, दीज आर नॉन फैक्यूलेंट जीरोफाइट। फैक्यूलेंट के रूप में अभी आपने देखे, फैक्यूलेंट लीफ के रूप में एलोव, एलोव एगेव और इफ्टेम के रूप में आपने देखे ओपुनसिया, यूफोरबिया, इकाइनोकैक्टस आदि। ओके, तो ये इस तरह से पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हम यहाँ पर इनके फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटोमिकल अडेप्टेशन देखेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।